Yes, good evening class. Today I'm here with your next video of your chapter 4, that is the shellfish chant. In the last class we did half of this chapter. In the last video you come to know about that shellfish chant, what he did. उन्होंने क्या किया था कि when children come to play in his garden, so what he did, he built a high wall in his garden around his garden, so childrens were not able to come into his garden. क्या होता है कि जो जेंट हैं वो अपने गार्डन के चारों तरफ बहुत लंबी लंबी दीवारें खिंचवा देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको बच्चों का उनके गार्डन में खेलना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. उसके बाद क्या होता है कि उनके जो गार्डन में सब कुछ जो बर्ड्स सिंग करते थे, ट्री ब्लूजम होते थे, सब कुछ रुक जाता है. इवन जो सीज़न है वो भी उनके गार्डन में चेंज होना बंद हो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो किसी लिनेट की बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनते हैं. उनको लगता है कि ऐसी आवाज़ तो उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी है. जब वो अपनी विंडो से बाहर देखते हैं देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. येस, इन द लास्ट क्लास वी डिड आवर क्लास टिल हेयर, लुक अराउंड. ओके, सो नाउ वी विल डू इट फर्दर. येस, वेट फॉर अ सेकेंड. Yes, what he saw outside was the most wonderful sight. कहते हैं कि जो उसने बाहर देखा वो आज तक का मतलब वो बहुत ही सुंदर sight था. Throw a little hole in the wall. एक सेकेंड मुझे. The children had crept in and they were sitting on the branches of the trees. कहते हैं कि उसने क्या देखा, इतना अच्छा सीन था. साइड का मतलब होता दृश्य सीन, कि इतना अच्छा सीन था कि एक छोटे से होल में से, मतलब दीवार में कोई एक छोटा सा होल है, उसमें से जो बच्चे हैं क्रैप्ट होता है रेंग कर, ऐसे जैसे सांप चलता है ना, ऐसे क्रैप्ट रेंग कर चलता है, इस तरह से रेंग कर क्या है, जो बच्चे हैं वो गार्डन में आ गए हैं और वो क्या है, ट्रीज़ की ब्रांचेज पे, मतलब ट्रीज़ की जो शाखाएँ हैं ब्रांचेज हैं उस पर आकर बैठ गए हैं. देर वॉज अ चाइल्ड ऑन एवरी ट्री ही कुड सी. कहते हैं कि हर ट्री पर एक बच्चा बैठा हो, मतलब वो देख पा रहे थे कि हर ट्री पे एक बच्चा तो कम से कम बैठा ही है. एंड द ट्रीज़ वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक दैट दे कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूजम्स. कहते हैं कि और वो देख पा रहे थे कि जो ट्रीज़ हैं वो भी बहुत खुश हैं. ग्लैड का मतलब होता है खुश, कि वो ट्रीज़ भी देख सॉरी जो जेंट पर्सन है वो देख पा रहे थे कि जो ट्रीज़ भी क्या हैं, इतने खुश हैं बच्चों को अपने आसपास देख के. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ थे वो भी पूरी तरह से अब ब्लूजम्स ऐसे खिल गए थे. द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज़ वर वेविंग देयर लीव्स अवर द हेड्स ऑफ द चिल्ड्रन. कहते हैं कि पेड़ इतने खुश थे कि वो अपनी ब्रांचेज को बच्चों के सिर के ऊपर से ऐसे वेव होता है ऐसे लहराना, कि लहरा रहे थे उन अपने ब्रांचेज को बच्चों के हेड्स के ऊपर से. ऑल ओवर द गार्डन द बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड ग्रास एंड सॉरी ट्विटरिंग विद डिलाइट. कहते हैं कि पूरे गार्डन में बर्ड्स क्या हैं ऐसे फ्लाइंग होता है ऐसे उड़ रही थी. एंड ट्विटरिंग मतलब एमिटिंग अ सक्सेशन ऑफ लाइट ट्रिमेंडस साउंड. कहते हैं कि ऐसे ची 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 करते हुए पूरा ऐसे साउंड करते हुए वो बहुत खुशी से बहुत ही प्लेजर से डिलाइट वैसे कहते हैं चमक के साथ और प्लेजर होता है खुशी के साथ वो क्या है पूरे गार्डन में ऐसे उड़ रही थी फ्लाई कर रही थी. द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन सॉफ्ट ग्रास एंड लाफिंग. कहते हैं कि जो पौधे थे सॉरी फ्लावर्स थे जो फूल थे वो भी अब क्या हैं ग्रीन ग्रास से ऊपर आ गए थे और वो भी क्या कर रहे थे हंस रहे थे. लाफिंग मीन्स वो बहुत ही अच्छे खिले हुए लग रहे थे तो वो हंसते हुए लगते हैं. ऑल ऑफ देम वर ट्रोली इन्जॉइंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. कहते हैं कि अब मैं देख पा रहा था कि जो सब जो फ्लावर्स थे ट्रीज थे बर्ड्स थे सब क्या हैं बहुत ही खुश थे
स्प्रिंग सीजन के आ जाने पे, अराइवल होता है किसी का आना और स्प्रिंग क्या है, सीजन है, ठीक है। बट इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर, कहते हैं कि लेकिन अभी भी गार्डन के एक कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोना के एक कोने में अभी भी क्या था, विंटर था, मतलब ठंड ही थी वहाँ पे। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड अ स्मॉल लिटल बॉय वॉज स्टैंडिंग इन इट, कहते हैं कि वो जो उनके गार्डन का क्या था, सबसे दूर वाला एक कोना था और वो देख पा रहे थे कि वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है। स्मॉल बॉय, लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा, कोई लड़का कोई खड़ा है वहाँ पे, स्टैंडिंग है मतलब खड़ा है। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही वॉज अनेबल टू रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कहते हैं कि वो इतना छोटा बच्चा था कि वो अनेबल होता है कि किसी काम को ना कर सकना, कि वो जो क्या था, रीच का मतलब होता है पहुँचना, कि वो ट्रीज़ की ब्रांचेस तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, वो वहाँ पहुँच नहीं सकता था क्योंकि वो इतना छोटा था। ही वॉज क्राइंग बिटरली वाइल वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, कहते हैं कि वो इतनी मतलब जोर जोर से रोए जा रहा था, ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोए जा रहा था और उसके चारों तरफ क्या था, वॉन्डरिंग होता है ऐसे घूमना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना, ठीक है, एमलेसली। सीइंग इट्स पिटीफुल कंडीशन द ट्री सेट, कहते हैं कि उसकी ऐसी पिटीफुल होता है, उसको ऐसे मतलब जो ट्री को क्या है, उसकी ऐसी दया वाली दशा देख के ट्री क्या कहती हैं, या ही सेड, सॉरी ट्री सेड, क्लाइंब अप माय बॉय, कि ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़, क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, है ना, कि ऊपर आ जाओ मेरे लड़के। एंड इट लोवर्ड इट्स ब्रांचेस एज लो एज इट कुड, और जो ट्री क्या है अपनी जो ब्रांच है उसको उतना नीचे कर देती है, एज़ इट कैन डू, जितना वो कर सकती थी वो अपनी ब्रांच को उतना नीचे कर देती है, ठीक है, लोवर्ड का मतलब नीचे करना। बट द बॉय वॉज टू स्मॉल टू रीच टू इट, लेकिन बच्चा क्या था, इतना छोटा था कि वो उस ब्रांच पे अभी भी नहीं पहुंच पा रहा था। यस, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, वेट फॉर अ सेकेंड। यस, इस नाउ दिस मेल्टेड द जेंट्स हर्ट एज ही लुक्ड आउट, कहते हैं कि जब जेंट ने ये सब देखा तो उसका मेल्ट होता है पिघलना, उनका दिल पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, तो वो अपने आप से खुद से कहते हैं कि मैं आज तक कितना स्वार्थी था, मैं कितना सेल्फिश था। ही सेड, वो अपने आप से कहते हैं कि मैं आज तक कितना सेल्फिश था। नाउ आई अंडरस्टूड वाई ऑल द टाइम देर वॉज विंटर एंड नो स्प्रिंग, कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर क्यों हर टाइम विंटर था, स्प्रिंग क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अरे वाह, वो बोलते हैं कि अब मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई, मैं इस बच्चे को क्या है उठाऊँगा और इसको जो ट्री के टॉप पर बिठा दूंगा, फिर उसके बाद क्या है, जो मैंने जो दीवारें बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई थी ना उन्होंने, आई विल नॉक डाउन, नॉक डाउन मतलब मैं उनको गिरा दूंगा, मैं जो दीवारें हैं वो फिर से उतनी ही करवा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द प्ले चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, एवर एंड एवर मतलब हमेशा के लिए क्या होगा, अब ये जो मेरा गार्डन है बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा, बच्चे क्या हैं हमेशा अब क्या होंगे यहाँ पर खेल सकेंगे। ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ वट ही हैड डन, उसको अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, थोड़ी मतलब यूँ शर्म आना या फिर बुरा फील करना, ठीक है, कि वो सच में रियली का मतलब होता है सच में, ही वॉज रियली अशेम्ड, कहते हैं कि वो बहुत बुरा मान रहे थे, वो बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने आज तक जो भी चीज़ें की। डिसाइडिंग दिस ही क्रेप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, अभी तक वो सब ये बातें क्या हैं ऊपर से ही सोचे थे, तो ये सोच के वो क्या करते हैं अपनी सीढ़ियों से नीचे आते हैं और जो फ्रंट डोर है उनका उसको आराम से खोलते हैं और गार्डन में आ जाते हैं। वेन द चिल्ड्रन सा द जेंट कमिंग दे ऑल गोट फ्राइटन, कहते हैं कि जैसे ही बच्चों ने उन जेंट पर्सन को देखा सब फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना, कि सब बच्चे क्या हैं डर जाते हैं एंड रन अवे और क्या है वहाँ से भाग जाते हैं। एंड वंस अगेन द गार्डन बिकेम विंटर, और फिर से क्या होता है गार्डन में क्या हो जाती है ठंड हो जाती है, गार्डन में फिर से विंटर सीजन आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन फॉर हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, कहते हैं कि जो सिर्फ क्या था वो जो छोटा लड़का था वो वहाँ से नहीं भागा, फॉर हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिडंट सी द जेंट कमिंग,
क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरह से आंसू, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, पूरे उसकी आंखें क्या थी आंसुओं से भरी हुई थी। तो वो जो क्या थी जेंट पर्सन को आते हुए देख ही नहीं पाया था। और सब बच्चों ने तो देख लिया था कि जेंट आ रहे हैं, वो डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा था, सबसे छोटा जो बच्चा था, वो क्या है जेंट को देख ही नहीं पाए क्योंकि उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू भरे हुए थे। द जेंट स्टूड अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। कहते हैं कि जो जेंट पर्सन थे वो उसके पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और टुक हिम जेंटली, और उसको जेंटली मतलब ऐसे प्यार से, बहुत ही माइल्डली, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऐसे अपने बाहों में मतलब अपने हाथों से उठाते हैं। एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री, और उसको क्या है उस ट्री पर बैठा देते हैं। एज सुन एज द बॉय वॉज पुट ऑन द ट्री इट एट वंस ब्रोक इन टू ब्लूजम्स। कहते हैं कि जैसे ही वो बच्चा उस ट्री पर बैठता है, उस वो जो ट्री है पूरी तरह से क्या हो जाता है, खिल जाता है। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और तभी क्या है पक्षी आ जाते हैं उस ट्री पे और वो वहाँ आकर गाने लगते हैं, सैंग ऑन इट मतलब वहाँ आकर चहचहाने लगते हैं। द लिटिल बॉय वॉज सो ओवरवेल्म्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द जेंट दैट ही स्ट्रेच्ड हिज टिनी हैंड्स अराउंड द जेंट्स नेक एंड किस्ड हिम। कहते हैं कि ओवरवेल्म होता है कि किसी एक कभी कभी किसी इमोशन में ज़्यादा ही मतलब बह जाना। वो कहते हैं कि वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है उनके बिहेवियर को देख के कि वो अपने जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी जो हैंड्स हैं, छोटे छोटे जो हाथ हैं, उनको क्या करता है जेंट पर्सन के ऐसे गर्दन के चारों, गर्दन के उधर से होल्ड करता है उनको और उनको किस करता है। अराउंड मतलब उनके गर्दन के ऐसे अराउंड चारों तरफ से उनको ऐसे होल्ड करता है और क्या करता है उनको किस कर देता है। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन सा द जेंट हैड चेंज केम बैक रनिंग इन द गार्डन। और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि अब तो ये जेंट क्या है बदल गए हैं, तो वो क्या होते हैं भाग कर क्या है वापस से उस गार्डन में आ जाते हैं। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ क्या हो जाता है स्प्रिंग सीजन भी वापस आ जाता है। यस इट इज़ योर गार्डन लिटल चिल्ड्रन सेड द जेंट एंड ही। अब वो जो जेंट हैं वो बच्चों से कहते हैं कि ये गार्डन अब तुम लोगों का है बच्चों, तुम इसमें क्या है खेल सकते हो, इट्स ऑल योर्स। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। वो क्या है एक बड़ा सा एक्स मतलब हथौड़ा या कुछ ऐसे लेते हैं, और वैसे तो एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, तो वो मतलब कोई औजार लेते हैं उससे वो क्या करते हैं नॉकड डाउन द वॉल। नॉक डाउन का मतलब मैंने अभी बताया था कि गिरा देते हैं उस वॉल को। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे सा द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और वो कहते हैं मतलब फिर क्या जो आसपास के जो पीपल्स हैं, आसपास के जो लोग हैं, दे वर गोइंग टू मार्केट। वो क्या है 12 बजे का टाइम है, उस टाइम वो लोग कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो जब वो जेंट को देखते हैं कि जेंट क्या है बच्चों के साथ इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और उनका गार्डन इतना सुंदर है कि आज तक मतलब उन्होंने ऐसा गार्डन नहीं देखा है, उन्होंने मतलब पहली बार ऐसा इतना सुंदर गार्डन उन्होंने देखा है। All day long the children played in the garden and in the evening they came to the gent to bid him goodbye. कहते हैं कि बच्चे क्या है पूरा दिन वहाँ उस गार्डन में खेलते रहे और जब जैसे ही इवनिंग हुई, शाम हुई, तो वो क्या है जेंट पर्सन को गुड बाय करने के लिए आते हैं, उनको गुड बाय बोलने के लिए आते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड। वो गुड बाय बोलने आते हैं ना, तो जेंट पर्सन उनसे पूछते हैं कि वो लेकिन आपको आपके साथ जो वो छोटा बच्चा था, वो छोटा बॉय था, कंपेनियन, देखो उन्होंने क्या मीनिंग दिया है, कंपेनियन का मीनिंग दिया है इसमें थोड़ा सा कट हो गया है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ठीक है, फ्रेंड भी कह सकते हैं, कि जो आपके साथ जो आपका वो फ्रेंड था, छोटा सा फ्रेंड था, वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने ट्री पर बिठाया था। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही किस्ड हिम। अब जो जेंट पर्सन थे उनको वो सबसे अच्छा लगा था, वो उनको सबसे उस छोटे बच्चे को सबसे, उस छोटे लड़के को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने उनको बहुत ही प्यार से किया था, उनको किस किया था, है ना। वी डोंट नो रिप्लाइड द चिल्ड्रन। अब बच्चे रिप्लाई करते हैं कि हमें नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ है, ही हैज़ गोन अवे, शायद वो चला गया है, कहीं चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू कम टुमोरो सेट द जेंट। तो जेंट क्या है उन बच्चों से कहते हैं कि अच्छा चला गया कोई बात नहीं, पर तुम उसको बोलना कि वो कल यहाँ पर ज़रूर आए,
ठीक है, मतलब कल तुम्हारे साथ जब तुम खेलने आओगे तो वो खेलने के लिए तुम्हारे साथ जरूर आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमने तो आज तक, हम तो उसको जानते ही नहीं हैं, ठीक है, कि वो कहाँ रहते हैं, हमने तो उसको आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड। अब जो वो जो जेंट हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो थोड़े उदास हो जाते हैं। एवरी डे इन द आफ्टरनून आफ्टर द स्कूल वॉज अवर द चिल्ड्रन केम इन द गार्डन एंड प्लेड विद द जेंट। कहते कि अब हर दिन का बच्चों का रूटीन हो गया था। एवरी डे इन द आफ्टरनून व्हेन दे केम फ्रॉम देयर स्कूल दे कम टू द गार्डन एंड प्ले विद जेंट। कि वो स्कूल से आते थे और जो जेंट पर्सन थे उनके साथ क्या थे, खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जेंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन। लेकिन जो वो छोटा लड़का था जिसको जेंट सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो दोबारा कभी नहीं आया। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। अब जेंट क्या थे, सभी बच्चों के साथ बहुत ही काइंड, मतलब बहुत ही प्यार से, दयालु, मतलब दया रखते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट वेट फॉर अ सेकेंड कम ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। कहते हैं कि लेकिन वो फिर भी अपने वो छोटे से जो दोस्त थे, जो उनके वो जो लिटिल बॉय था, उसका वेट हमेशा करते थे और हमेशा उसके बारे में बातें किया करते थे। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम। कि मैं उसको पता नहीं, मैं उनको उस लड़के को पता नहीं कब देख पाऊँगा। ही यूज़ टू से, वो हमेशा यही कहते थे कि पता नहीं मैं उसको कब देख पाऊँगा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। कहते हैं कि डे बाय डे, अब क्या थे मतलब सॉरी सालों साल, मतलब साल बीत गए, अब जेंट क्या है, बहुत ही ओल्ड हो गए थे, ठीक है। ही कुडंट प्ले विद द चिल्ड्रन एनी मोर। अब वो क्या थे, बच्चों के साथ और नहीं खेल सकते थे। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन। कहते हैं कि वो अब क्या करते थे, अपने जो उनका जो गार्डन था उसमें क्या है, एक बड़ी सी आर्म चेयर पे, आर्म चेयर मतलब चेयर्स, ऐसी चेयर जिसमें वो आर्म्स रखने के लिए हैंडल लगे होते हैं, या फिर देखो आपको मीनिंग दिया गया है, चेयर विद आर्म स्पोर्ट्स, है ना, हाथ को सपोर्ट देने के लिए जो आर्म चेयर होती है वो, कि वो क्या करते थे, अपनी आर्म चेयर पर बैठ जाते थे अपने गार्डन में और बच्चों को खेलते हुए देखते थे। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेट। कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, फ्लावर्स हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ देम ऑल। लेकिन क्या है, बच्चे क्या हैं, इन फ्लावर्स में से सबसे सुंदर फूल हैं, ठीक है। वो क्या बात, किससे कंपेयर कर रहा है, कि जो गार्डन में फूल लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं, कहते हैं कि वो सब तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो बच्चे ये जो यहाँ खेलते हैं, इनके इनका जो ये शोर करते हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, जितना वो एंजॉय यहाँ करते हैं, कहते हैं कि ये सबसे सुंदर फूल हैं मेरे गार्डन के। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। कहते हैं कि एक विंटर की सुबह, मतलब सर्दी की सुबह, जब जेंट पर्सन ने अपनी विंडो से बाहर देखा, लुक का मतलब होता है देखना, आउट मतलब बाहर की साइड, जब अपनी विंडो से देखा, एज़ ही वॉज ड्रेसिंग, मतलब जब वो तैयार हो रहे थे तब उन्होंने अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखा, ही सा अ मार्वलस साइट, एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य देखा उन्होंने। मार्वलस होता है एक सुंदर सा साइट का मतलब दृश्य, दैट मेड हिम रब हिज आई इन वंडर। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लो जिसको देख कर आपको क्या हो, बहुत ही आश्चर्य सा हो, हैरानी सी हो, तो वो क्या करते हैं, ऐसे अपनी आइज़ रब मतलब ऐसे रगड़ना, अपनी आइज़ को हैरानी से ऐसे रब करते हुए देखते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर दिस क्लास। वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ नाइस डे।